हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो फिर आज फिर से हम लोग आ चुके हैं पिथौरागढ़ सर दोस्तों में। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम से हम लोग आगरा मथुरा में घूम रहे थे, उसके बाद अभी हम हाल ही में पिथौरागढ़ आए थे। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हम लोगों ने मंदिर की सफाई करते हुए काफ़ी सारे पैसे आपको दिखाए थे जो कि प्राचीन काल के थे। और आज हम आ चुके हैं पिथौरागढ़ मेला यानी पिथौरागढ़ सर दोस्तों में। पीछे आप देख सकते हैं मेले का जो भी पंडाल वगैरह जो हम कह सकते हैं वो यहाँ लगा हुआ है, और नीचे काफ़ी भीड़ है, इसीलिए अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और धूल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करते हैं आपको बैक कैमरे से सारा कुछ दिखाने की। तो दिनेश और मैं आए हैं, देखो दिनेश को आप सभी लोग जानते हैं। तो फिर चलते फटाफट से नीचे और देखते हैं कि क्या कुछ मेले में खास है और पिछले साल से किस तरह से मेला डिफरेंट है। तो फिर चलते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेले का जो फील्ड है वहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है ये मेन गेट मेले का। तो यहीं से भी हम लोग अंदर को जा रहे हैं और बगल बगल आप देख सकते हैं सारी दुकानें वगैरह लगी हुई हैं। इसी के दूसरी तरफ यहाँ पे मंच बना हुआ है जहाँ पे कि काफ़ी सुंदर सुंदर प्रोग्राम जो है वो चलते रहते हैं। तो अभी लगे हैं वहाँ पे कुमाऊँनी खेल, तो आपको दिखाता हूँ कितने खूबसूरत खेल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये तो थे हमारे उत्तराखंड की शान, हमारे उत्तराखंड का कल्चर जो कि खेल है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं फायर ब्रिगेड वगैरह भी खड़े हैं, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है। सभी लोग मेले में घूम रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी प्रकार की जो सामग्री है, घरेलू सामान से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी चीज़ की दुकानें जो यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये एक लकी ड्रॉ का बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे इनाम जीतने का मौका मिलता है। दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जो दुकानें हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से इनको सजाया गया है। और लोगों की जो आवाजाही है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि साल में एक बार जो है ये मेला लगता है, और पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में जो मेला है हर साल इसी तरह लगता है। देखिए यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रहे हैं भाई साहब, और बगल बगल भी देखें तो सभी जगह दुकानें हैं, बच्चों के आइटम से लेके बड़ों तक के सामान सभी कुछ है। सारा कुछ आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। Thank you.
गाइस काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा और काफ़ी ज़्यादा धूल जो है इस फील्ड में हो चुकी है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं झूले के टिकट्स लेने। आप देख सकते हैं कि जो झूले हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और टिकट लेते हैं, उसके बाद झूले में बैठते हैं। तो दिखाते हैं आपको फिर कैसा कुछ रहता है। अगर आप पहले कभी ऐसे झूले में बैठे तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। फिलहाल अभी टिकट लेके हम लोग आ चुके हैं और अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। शायद ये वाला जो टर्न है ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग की ही बारी है। तो बैठते हैं अब झूले पे और आपको उसके बाद का नज़ारा दिखाते हैं। थोड़ा सा बैठो, मोबाइल अंदर रख लो, तो जिससे आटको बैठ लो मोबाइल। आओ उधर को रिसर्च। गाइस काफ़ी देर मेले के बाहर बाहर घूमने के बाद आखिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग झूले पे बैठते हैं। और दिनेश को देखो काफ़ी डरा हुआ है और दो भाई लोग और हमारे साथ। तो भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भाई लोग तो बिल्कुल बिंदास है, इनको बिल्कुल डर शायद नहीं लगता है। बट जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं उनको कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आता है। अगर आप जब फर्स्ट टाइम बैठे थे आपको कैसा फील हुआ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से। देखते हैं फिलहाल थोड़ा बहुत और मेले का नज़ारा कैसा कुछ है। लोगों की भीड़ जो है वो झूले पर से आप साफ साफ देख चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है पिथौरागढ़ सरदोस्तव के मेले का। देख सकते हैं कि सभी लोग दुकानों को कैसे घेरे हुए हैं, हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत के सामान लेके जा रहे हैं, चाहे बुड्ढे हों, बच्चे हों, बड़े हों, देखिए सभी लोग अपनी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तैयार हैं उनके बनाते हैं। मेलों की यही खासियत होती है कि
अपने आप में ही एक खुशियाँ लेके वो आते हैं, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो दुकानों से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। हर तरह से जो मेला है खुशियाँ ही हमें देता है। आप देख सकते हैं लोगों की खुशी साफ साफ आपको दिख रही होगी, बट इस झूले में बैठ के खुशी कम और डर ज़्यादा होता है। जब बात आती है मेलों की तो खाने पीने के सामान भी अक्सर हमको दिख ही जाते हैं। तो ये है हलवा पराठा, जो कि हम सबके लिए काफ़ी नया था। हालांकि हमने ट्राई नहीं किया, बट नाम ही हमारे लिए काफ़ी नया था, हलवा पराठा। आपको कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब बात आए मेलों की और हम आपको जलेबी ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।